मुंबई जाकर मालूम कर, उधर जो भी लोकल ट्रेन नहीं चलती ना उससे ज्यादा आप उनपे कैसे चल रहा है। बात तो सही है। तो क्या अदनान 07 ने मुनावर फारूकी और एलविश यादव के कोर्ट केसेस को लेकर उन्हें ट्रोल किया? आप सभी को पता होगा कि मुनावर फारूकी ने एक बार अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया था, जिसको लेकर उनके ऊपर लीगल केस भी हुआ था। और मुनावर काफी बार मुस्लिम्स के ऊपर भी डार्क जोक करते रहते हैं। एंड रिसेंटली मुनावर फारूकी ने बिग बॉस में जाकर अदनान 07 को ट्रोल करते हुए कटारिया से कुछ ये कहा था कि उस 007 डेज वाले को तूने 7 डेज में ही बाहर कर दिया। और मुनावर ने ट्विटर स्पेस में लाइव आकर अदनान के ऊपर एक गालियों में शायरी भी करी थी। एंड अदनान को ये भी कहा था कि बाहर इतनी हाइप मचा कर जाते हैं लेकिन अंदर जाके हक देते हैं। तो इसी को लेकर अदनान ने आज मुनावर को कुछ ये कहा। मुनावर से तो कुछ नहीं हुआ, उसने पहले अच्छा वो 07 डेज वाला देखा देखा मैंने, वो क्लब हाउस वाला। हां वो तो मैं भी हल्के में लिया, चलो ठीक है, हां कॉमेडी करता है। उसने बोला था डैश में नहीं है गुम हगने चला जू। तो उसको बताने चाहते हैं कि अगर वो भी डोंगरी से है तो अपन भी धरावी से, बेटा गाली देने पे आएंगे ना तो कान से खून निकल आएगा। और उसका काम है कॉमेडी करना। देखो अभी वो चलती में चढ़ते रहता है, बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाता है, पर एक बाउंड्री के अंदर मजाक उड़ाए तो समझ में आता है। वो बहुत सारे रिलीजियस बातों पे भी मजाक उड़ाता है, कोई भी रिलीजन को नहीं छोड़ता है। और उसने इस्लाम का भी मजाक उड़ाया था 4 शादी पे कि ओ इस्लाम उसके 4 अफेयर बाहर आ गए बिग बॉस के शो में। इसके बाद अदनान ने एलविश यादव को भी ट्रोल किया। एंड रिसेंटली एलविश यादव ने भी अपने ब्लॉग में अदनान 07 की टीम को ये कहा था कि तुम कितने भी 000 हो सब आ जाना। तो उसी वीडियो पर रिएक्ट करते हुए अदनान ने कुछ ये कहा। जीरो कहा है? अरे मैं इसको पहले जीरो थोड़ा जीरो होता है वो जीरो होता है, जीरो नहीं होता है बेटा। मुंबई जाकर मालूम कर, उधर जो भी लोकल ट्रेन नहीं चलती ना उससे ज्यादा आप उनपे कैसे चल रहा है। बात तो सही है। बाकी इस सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।